नमस्कार बच्चों, कक्षा 12 के लिए काफी चैप्टर हम पढ़ा चुके हैं जो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। वो चैप्टर लगभग हम पढ़ा चुके हैं। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन तक का चैप्टर लगभग हम पढ़ा चुके हैं। आज हम कुछ नए टर्म अनुवांशिकी से लेकर के हम आपके सामने उपस्थित हैं। बायो का आप तो जानते हैं कि सामान्य रूप से मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, और यदि मान लिया ये 47 हो गए या 45 हो गए तो इस प्रक्रिया को हम एनुप्लॉयडी या असुगुणिता कहते हैं। सुगुणिता का मतलब सामान्य, असुगुणिता का मतलब असामान्य। अब हम कारण इसमें जानेंगे। अगर कम हो जाता है तो भी जो है रोग उत्पन्न हो, अनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं। अगर अधिक हो जाता है तो भी अनुवांशिक विकार उत्पन्न होते हैं। तो कारण क्या होते हैं? जैसे मान लिया आप अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा है, तो ये क्रोमोसोम मेटाफेज की अवस्था में एक दूसरे से मध्य में व्यवस्थित होते हैं, और मनुष्य में ये सेंट्रियोल के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। अब एनाफेज की अवस्था में ये मेटाफेज है, एनाफेज की अवस्था में ये क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो करके विपरीत पोल की तरफ गति करते हैं। एक दूसरे से एनाफेज है, एक दूसरे से विपरीत पोल की तरफ गति करते हैं। इस प्रकार से, लेकिन किसी कारणवश मान लिया कोई जोड़ा या होमोलागस क्रोमोसोम क्या होगा, ये किसी कारणवश ये क्या होता है, अलग नहीं हो पाता, तो पूरा का पूरा जोड़ा जो है वो एक तरफ जो है क्या हो जाता है, पहुंच जाता है। और ये पूरा का पूरा जोड़ा एक तरफ पहुंच गया। अब जो कोशिका बनेगी, वो मान लिया मनुष्य की कोशिका बनेगी या स्पर्म बनेगा, तो ये हो जाएगा एक कोशिका में आप देख रहे हैं 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे, या यूं कह सकते हैं 45 क्रोमोसोम हो जाएंगे इसमें। चालीस धन पांच 45 हो जाएंगे, और दूसरी कोशिका में 47 क्रोमोसोम हो जाएंगे, क्योंकि एक जोड़ा सीधे बिना अलग हुए दूसरे कोशिका में पहुंच गया है, यानी केंद्रक स्पर्म में पहुंच गया है। तो इसमें एक में 45 हो जाएगा और दूसरे में 47 हो जाएंगे। तो ये प्रक्रिया जो है एनुप्लॉयडी ये कहलाती है, या इसे हम असुगुणिता कहते हैं। कहने का मतलब यह है, कोशिका विभाजन के समय मेटाफेज और एनाफेज की अवस्था में जब क्रोमोसोम आपस में अलग होने लगते हैं, तो किसी कारण बस एक जोड़ा या दो जोड़ा या तीन जोड़े क्रोमोसोम जो है अलग नहीं हो पाते हैं।
तो इस तरह से वे एक कोशिका में यानी एक स्पर्म में या ओवम में पहुंच जाते हैं, तो एक में कमी हो जाती है और दूसरे में अधिकता हो जाती है। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम असुगुणिता कहते हैं। अगर एक से अधिक क्रोमोसोम अलग नहीं होते हैं और दूसरे में पहुंच जाते हैं, तो ऐसी प्रक्रिया को हम पॉलीप्लॉयडी या बहुसुगुणिता कहते हैं। पॉलीप्लॉयडी ये काफी जो इम्पोर्टेंट है, पॉलीप्लॉयडी या इसे हम बहुसुगुणिता कहते हैं। तो हम पहले कुछ इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं, सिंड्रोम के बारे में चर्चा कर चुके हैं, डाउन सिंड्रोम, टेंडर सिंड्रोम, लेकिन कारण हमने आपको नहीं बताया था। कारण इसका यही है कि कोशिका विभाजन के समय जब क्रोमोसोम के जोड़े आपस में अलग नहीं हो पाते हैं, तो एक दूसरे के विपरीत दूसरी कोशिका में पूरे के पूरे सेट ट्रांसफर हो जाते हैं, स्थानांतरित हो जाते हैं। तो उस स्पर्म या ओबम में क्रोमोसोम की कमी और अधिकता हो जाती है, और यही असुगुणिता का कारण है। धन्यवाद।